जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सरोज ब्लॉग में। चलिए हम आज आप लोगों को दिखाते हैं कुतुबपुर क्रॉसिंग में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको दिखाते हैं हम। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कुतुबपुर क्रॉसिंग बंद होने की वजह से बहुत लंबी गाड़ियों की कतार लग गई है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी गाड़ी की कतार लगी है। कुतुबपुर क्रॉसिंग पर पुल का निर्माण भी हो रहा है, इसकी वजह से और थोड़ा ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, मैं कुतुबपुर क्रॉसिंग पर पहुंच गया हूं और यहाँ पर देखिए निर्माण कार्य हो रहे हैं। देखिए क्रॉसिंग पे ये जो गुमटी है इसको तोड़कर हटाया जाएगा और इसके स्थान पर देखिए यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। देखिए इसका कार्य हो रहा है, नीचे सरिया बिछ गया है, मशीनें लगी हुई हैं, सब कार्य प्रगति पर हैं। कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। एक कुतुबपुर क्रॉसिंग के पास में बन रहा है। निर्माण कार्य होने की वजह से थोड़ा आवागमन बाधित ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएंगे। देखिए यही सब कार्य हो रहे हैं। चलिए हम और आप लोगों को आगे की अपडेट देते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए किरान के द्वारा ट्रक को उठाया जा रहा है और इधर देखिए गिट्टी लदी हुई है। सहारा लेना पड़ रहा है। कुतुबपुर क्रॉसिंग के पास में निर्माण कार्य हो रहा है। देखिए कितनी धूल उड़ रही है। देखिए लखनऊ वाले रोड पे जो ये बिल्डिंग थी यहाँ की टूट गई है और न्यू बिल्डिंग बन भी गई है। ऐसे ही गाजीपुर वाले रोड पर बिल्डिंग बन रही है। काम काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। चलिए हम और आप लोगों को आगे की अपडेट देते हैं। देखिए सड़क तोड़कर न्यू पटरी बिछ गई है। आगे कार्य कंटिन्यू होता रहेगा। ये न्यू पटरी बिछी हुई है, अब तक यही पटरी थी, अब देखिए डबल रूट के लिए एक पटरी और बिछ गई है। देखिए पटरी का निर्माण कार्य हो रहा है। आगे यहाँ पर देखिए पटरी बिछी हुई है। देखिए ट्रैक बिछाने के लिए देखिए सब ब्लैंकेट डाले गए हैं। बहुत मजबूती के साथ कार्य हो रहे हैं। जैसे पूरे ब्लैंकेट बिछा दिए गए हैं, इस पर ट्रैक बिछेगा। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को जान लीजिए कि एक सप्ताह के अंदर जितने भी कार्य हुए रहते हैं हम आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। अभी मैं पिछले वीक आया था तब देखिए कितना कार्य हुआ था। आज मैं फिर यहाँ पर आया हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कितने कार्य आप लोगों को सपोर्ट करने से हमें भी अच्छा लगता है। चलिए हम आप लोगों को आगे कार्य दिखाते हैं। तो देखिए जो सामने उधर बन रहा है वो कार्य हो रहा है, वो तो गाजीपुर वाला रूट है, इस पर भी पुल का निर्माण हो रहा है। अभी मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम जौनपुर जंक्शन के अंतर्गत कुतुबपुर क्रॉसिंग के पास जो पुल का निर्माण कार्य हो रहा है हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। आप लोग देखिए, मैं पिछले वीक जब आया था तो जो सामने वाली दीवार है वो धरातल लेवल पर कार्य हो रहा था। देखिए वो उतनी ऊँची खड़ी हो गई है
और देखिए ये भी दीवार इतनी ऊंची खड़ी हो गई है, निर्माण कार्य चल रहे हैं बढ़िया। हम आप लोगों को पूरी अपडेट दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, काफ़ी गहरा है, आप लोगों को हम नीचे से अपडेट करते हैं। उस मशीन से सीमेंट बन करके इस पाइप के माध्यम से इस दीवार के अंदर जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सारे निर्माण कार्य यहाँ के दिखा दिए हैं। ट्रैक पर कोटा पटना एक्सप्रेस खड़ी हुई है आउटर पर। देखिए फ्रेंड्स, ये पावा का निर्माण हो रहा है, इससे पावा बनेगा। जैसे देखिए बने हैं, ऐसे ही पावा बनेगा। फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को अब यहीं एंड करता हूं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आप लोग मेरा सपोर्ट करें। हम आप लोगों को ऐसे ही निर्माण कार्य दिखाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।